जो खुद को वश में कर सकेगा वो मन चाहे चीज को वश में कर पाएगा, जो खुद को वश में करेगा। मेरा मन नाचता है, जो चाहे वो करता रहता है। मेरा जीव चलता रहता है, जो चाहे वो बोलता रहता है। मेरा पैर चलता रहता है, जहां चाहे वहां जाता रहता है। मेरा हाथ चलता रहता है, जो चाहे मुंह में डालता रहता है। जो मन चाहे कृत्य को जो करता है, वो जीवन में मन चाहे वस्तु को कभी पा नहीं पाता है। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो पूरी दुनिया को वश में कर। बहुत सरल बात, ध्यान रखना। सनातन धर्म संभोग को वंश वृद्धि का विवेक कहता है, शारीरिक इंद्रियों का सुख नहीं कहता। हमारे शास्त्रों में है अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। आज कितने लोग आप मेरे पास बोलते हो कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता महाराज। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे हमारे वश में नहीं हैं। जब आपका शरीर बिल्कुल वश में नहीं था, पशुओं की तरह आपने वृत्ति करके बच्चों को जन्म दिया, तो फिर वो बच्चे पशुओं की तरह ही रहेंगे, इंसान की तरह रह नहीं सकते। इंसान की तरह बच्चा चाहिए तो इंसान की तरह शास्त्र का कहा हुआ शारीरिक संबंध होना चाहिए, और देव जैसे बच्चे चाहिए तो प्रहलाद को जन्म देने वाली कयादु की तरह मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा विवेक तो कहीं जा रहा है और हम सोचते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में आ जाए। देखिए, ये जो बाल है ना, आपके सिर का बाल, इस बाल को अगर 10,000 गुना काट के उसका एक शीरा निकालो, इतना बारीक बाल का 10,000वें भाग में एक भाग आपके शरीर में है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। जब आप मूलाधार चक्र में प्राण वायु को प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा करवाओगे, तो ये जब सिर पर पहुंचता है तो नीचे से पाइप में से जो वीर्य निकलना चाहिए ये सिर पर चढ़ता है। कहाँ चढ़ता है? सिर पर। देखो, पानी को नीचे बहाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है क्या? नहीं। पानी स्वतः ही नीचे जाता है कि आपको मेहनत करना पड़ता है? स्वतः जाता है। अच्छा, पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो मेहनत करना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है। एक मोटर लगाओगे तो पानी ऊपर जाने लगता है, और कहीं खड्डा हो, ढलान हो, तो अपने आप ही पानी नीचे जाता है। आपके लिंग से जो वीर्य नीचे जा रहा है ना, आज तक किसी के शरीर में घुस रहा है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनको ही हम प्रणाम करते हैं ऋषि मुनि के नाम से, जिन्होंने मोटर यानी तपस्या के बल पर उस वीर्य को सिर पर चढ़ा के उसको ओज और तेज बना के तपस्या के बल से पूरे विश्व का कल्याण किया है। जय जय गुरुदेव।